Alright friends, once again a very welcome back to the new video, and in this video we have taken the entire registration process for you. यहाँ पर ये वीडियो में हम पूरा एडमिशन प्रोसेस आने वाले हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप. यहाँ पर कब कॉलेज स्टार्ट होगी, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, वो सब कुछ हम आज के ये वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं. वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा. सबसे पहले तो मेरे चैनल पर व्यूअर्स आने लगे, मतलब पता चलने लगा है कि मेन यहाँ पर चैनल का एम क्या है. एम इज जस्ट टू गाइड यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द फाइनल डेस्टिनेशन एंड विच इज द इंजीनियरिंग कॉलेज. और दैट इज ऑल्सो नॉट एनी रैंडम कॉलेज, दैट इज गुड इंजीनियरिंग कॉलेज. यहाँ पर अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस कवर कर लिए हैं, बहुत सारे यहाँ पर प्लेलिस्ट कवर कर लिए हैं कि जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया है यहाँ पर कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए. सबकी वेबसाइट चेक कर लिए, जैसे कि DAACT, निर्मा, LDCE एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसके बाद यहाँ पर हमने काफ़ी ACPCS की जनरल क्वेरीज भी यहाँ पर हमने आंसर कर दिया कि जहाँ पर मॉक राउंड क्या होता है, राउंड वन क्या होता है, वो सब कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. आज का वीडियो मैंने सोचा कि क्यों ना बोर्ड के ऊपर आपको समझाया जाए, तो यहाँ पर मैं पूरी एडमिशन प्रोसेस कवर करने वाला हूँ. सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत बेसिक स्टेप होता है, वो होता है आपका रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो रजिस्ट्रेशन देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक साइड आप होते हो, एक साइड ACPCS होता है. इन दोनों के बीच का यहाँ पर जो संपर्क होता है आपके और कॉलेज के बीच में, वो संपर्क करवाता है ACPCS. बट यहाँ पर ACPCS को कौन सा कैसे पता चलेगा कि भाई ये स्टूडेंट्स को यहाँ पर इस साल एडमिशन करवाना है विथ आवर परमिशन, विथ आवर एडवांटेजेस. तो यहाँ पर ACPCS को पता चले, इसीलिए आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन की, जहाँ पर आप आपकी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करते हो, जैसे कि आपकी कैटेगरी, आपका सर्टिफिकेट, आपका यहाँ पर स्कूल के मार्क्स, स्कूल की डिटेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसकी मदद से ACPCS को यहाँ पर पता चलता है कि हाँ भाई इस साल इस स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग के अंदर. तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज द रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, तो रजिस्ट्रेशन के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो कवर कर लिया है जो आप ऊपर आई बटन में से भी ले पाओगे, कि जिसके अंदर आपको पता चल पाएगा कि स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है. तो रजिस्ट्रेशन के अंदर बहुत बेसिक है, सबसे पहले यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आएगी, उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल, एकेडमिक्स डिटेल, उसके बाद यहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, और लास्ट में होता है फी पेमेंट. कुल यहाँ पर 8 स्टेप होते हैं रजिस्ट्रेशन के, और आखिरी स्टेप यहाँ पर कौन सा होता है, आखिरी स्टेप यहाँ पर होता है आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट, विच इज़ दी 350 इंडियन नेशनल रुपीज़, यानी कि 350 यहाँ पर वन टाइम फी आपको पे करनी होगी, एंड दैट इज ऑल्सो नॉन रिफंडेबल. ये यहाँ पर मैंने सबसे पहला कवर किया है, सबसे पहला स्टेप, और वो होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर 50% मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से 50% स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो गया है, 50% अभी भी बाकी है. तो मेरी तो यहाँ पर एक ही यहाँ पर रिक्वेस्ट रहेगी कि डू दैट एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल. यानी कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी भी बचा है, तो वो आप हो सके उतने जल्दी कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है. सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो गया, इसके ऊपर आप भूल जाइए. यहाँ पर आपके पास कौन सी डिटेल आ गई, आपका यूज़र आईडी, आपका पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर, 3 इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर आ गई. और जिसके अंदर अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट 2 ही रहेगी, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड. एप्लीकेशन नंबर की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, ठीक है. यूज़र आईडी एंड पासवर्ड कहीं पर नोट डाउन कर लेना, या फिर अपने माइंड में सही से यहाँ पर याद कर लेना, क्योंकि एवरी टाइम यू हैव टू लॉग इन यू हैव टू यूज़ योर आईडी पासवर्ड. तो दैट इज़ द इंपॉर्टेंट स्टेप. यहाँ पर अगर हम बात करें मेरिट की, तो देखिए यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं मेरिट की. मेरिट में क्या होता है और मेरिट एक्चुअली होता क्या है, तो मेरिट इज़ द रेशियो ऑफ 50-50, यानी कि आपका 50% यहाँ पर PCMs आएगा और आपका बाकी का बचा हुआ 50% आएगा गुजकेट से. तो ये दोनों का यहाँ पर रेशियो निकलता है 50-50% का, और इसके बाद एक यहाँ पर रैंक आपको दिया जाता है जिसको बोलते हैं मेरिट रैंक. हर एक कॉलेज ये अपने कट ऑफ मेरिट के ऊपर ही डिसाइड करती है, मेरिट के बेसिस के ऊपर ही यहाँ पर कट ऑफ डिक्लेयर होता है, तो इसको बोलते हैं मेरिट रैंक. मेरिट रैंक में क्या होता है, मेरिट रैंक किस तरह से निकलता है, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो वो वीडियोस भी आप जरूर से चेक कर सकते हो. मैं जब बात करूँ 2018 की, ऑन माय टाइम ऑफ एडमिशन, उस टाइम यहाँ पर रेशियो था 60-40, 60 लिया जाता था PCMs से, 40 यहाँ पर लिया जाता था गुजकेट से. अब क्या हो गया कि 300 में से यहाँ पर 50% PCM का लिया जाता है, और 120 में से 50% यहाँ पर गुजकेट का लिया जाता है. तो इस तरह से यहाँ पर एक रेशियो भी आपके पास आ गया, रेशियो भी किस तरह से निकलता है ये भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है. तो उसके बाद यहाँ पर अभी तो 1 महीने जितना टाइम लगेगा आपका मेरिट रैंक आने में, तो मेरिट रैंक होगा आपका स्टेप नंबर 2. यहाँ पर हमने कवर कर लिए, 2 इंपॉर्टेंट स्टेप आते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर, विच इज योर मॉक राउंड. मॉक राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मॉक राउंड का यहाँ पर जनरली क्या होता है, इसको आप
प्रैक्टिस राउंड भी बोल सकते हो। ECTC ने मॉक राउंड इंट्रोड्यूस क्यों किया है, इसका रीजन मैं बता दूं, ये हर साल, ये पहले से ही था कि जब यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस हुआ करती थी तब से मॉक राउंड था। मॉक राउंड में होता क्या है जनरली, तो मॉक राउंड में आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है जो होता है राउंड नंबर वन में। राउंड नंबर वन में गलतियाँ ना हो, राउंड नंबर वन का आपको एक बार अंदाजा हो जाए कि राउंड नंबर वन किस तरह से चलेगा, एक्चुअल एडमिशन किस तरह से होगा, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आपके पास इंट्रोड्यूस किया गया है मॉक राउंड, कि जिसके अंदर यहाँ पर आपको रियल में जैसा मॉक राउंड के बाद राउंड नंबर वन में करोगे वैसा ही मॉक राउंड में करना है। इसके अंदर यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग के बाद यहाँ पर एक वीक जितना टाइम लगेगा इसके रिजल्ट्स के अंदर, यानी कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर मेरिट रैंक निकल के आ रहा है 2500, आपका मेरिट रैंक निकला है 2500, तो फिर 2500 में आपकी जो भी कॉलेजेस आती है, लेट्स से डेट कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर में जाना है, तो फिर आप मॉक राउंड में चॉइस फिलिंग को इस तरह से कर सकते हो, DAACC निर्मा, उसके बाद धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी, उसके बाद बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, या फिर आप चौथे नंबर पे LD को रख सकते हो, उसके बाद आप BGEC को रख सकते हो, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे यहाँ पर आप लग सकते हो बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय को, सातवें नंबर पे यहाँ पर आप लिख सकते हो GEC गांधीनगर, आठवें नंबर पे आप यहाँ पर लिख सकते हो इंडस यूनिवर्सिटी, नौवें नंबर पे PDU और दसवें नंबर पे GH पटेल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रैंडमली अगर आपका मार्क्स, अगर यहाँ पर आपका मेरिट रैंक 2500 है, तो आप यहाँ पर ये 10 कॉलेज का चॉइस फिलिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बेस, कि आपको जिसमें जाना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस यहाँ पर आप मॉक राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। एक वीक जितना टाइम हो गया 2005 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आया है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिजल्ट के अंदर LDC, यानी कि मॉक राउंड में आपको पता चला कि आपने जिस तरह से चॉइस फिलिंग की थी, जिसमें पहले पे DAACC, दूसरे पे निर्मा, तीसरे पे DDU और चौथे पे LD, तो पहली तीन कॉलेज में यहाँ पर आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है, चौथी कॉलेज है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जिसमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, तो इसको बोलते हैं मॉक राउंड, कि जहाँ पर रिजल्ट में आपको पता चल सकता है कि कौन कौन सी कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, मिल सकता है और किस में नहीं। LD में मिलने का मतलब है कि LD के नीचे आने वाली सारी कॉलेज की, जिसके अंदर LD के बाद VGEC, बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, GH पटेल, PDU और यहाँ पर इंडस यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी कॉलेज में LD के नीचे आने वाली कॉलेज में यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, ऊपर के कॉलेज में यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों मैं हर साल कहता हूँ कि मॉक राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉक राउंड का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। मॉक राउंड जैसे खत्म हुआ, आपके तीन स्टेप खत्म होता है, फिर राउंड नंबर फोर्थ स्टेप आता है राउंड नंबर वन, विच इज द एक्चुअल राउंड, वट एवर यू हैव परफॉर्म इन दी मॉक राउंड यू हैव टू डू सेम इन दी राउंड नंबर वन, यानी कि राउंड नंबर वन के लिए आपने मेरे मॉक राउंड में जो भी किया है वही आपको राउंड नंबर टू में करना होता है, नथिंग एल्स। चॉइस फिलिंग करनी होती है, चॉइस लॉक करनी होती है, एक वीक तक रुकना होता है, रिजल्ट आ जाएगा। सेम मान लीजिए कि 2500 रैंक है, जो भी मॉक राउंड में आपने यहाँ पर चॉइस फिलिंग की थी वैसे की वैसे ही हम रखते हैं राउंड नंबर वन के लिए। उसके बाद एक वीक का टाइम लेता है ACTC और रिजल्ट डिक्लेयर होता है राउंड नंबर वन के अंदर LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि यहाँ पर भी मॉक राउंड में जो रिजल्ट था वही यहाँ पर रिजल्ट आया है। अगर आप यहाँ पर समझदारी से स्मार्टली चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो आपको यहाँ पर दोनों कॉलेज सेम ही रहेगी, क्योंकि इस अकॉर्डिंग, इस रेंज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर LD में कंप्यूटर या फिर IT में मिलने के चांसेस है, डिपेंड ऑन दी कैटेगरी की, कौन सी कैटेगरी में आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो दोस्तों मैंने बता दिया कि यहाँ पर राउंड नंबर वन में आ गया LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर आपका अगला स्टेप क्या आएगा कि यहाँ पर राउंड नंबर वन के बाद में लिख देता हूँ TF। TF का मतलब होता है टोकन फीस। जैसे ही यहाँ पर राउंड नंबर वन डिक्लेयर हो जाता है रिजल्ट, आपको इमीडिएटली यहाँ पर टोकन फीस पे करनी होती है और विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, यानी कि एक वीक जितना आपको टाइम दिया जाता है उसी टाइम पीरियड के दौरान आपको यहाँ पर टोकन फीस कंपलसरी पे करनी है। अगर टोकन फीस पे नहीं करोगे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आप वहाँ पर LD की सीट नहीं ले पाओगे। दैट्स व्हाई मेक श्योर करना कि जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा यहाँ पर आपको टोकन फीस इमीडिएटली पे कर देनी है। बट कब, जब आपको 100% श्योर होगा आपको LD में जाना ही है तब। इन केस कि यहाँ पर आपको नहीं जाना है तो फिर टोकन फीस पे मत करना, यहाँ पर आपका एडमिशन अपने आप कैंसिल हो जाएगा और आप राउंड नंबर टू में जा पाओगे। राउंड नंबर वन के बाद आप फिफ्थ स्टेप पे आ जाओगे, कि जहाँ पर राउंड नंबर वन के बाद 15 दिनों के बाद आपकी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एडमिशन का पूरा प्रोसेस कवर कर लिया है कि जहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन से लेके कॉलेज स्टार्ट डेट तक, बट यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर तो सिर्फ आपकी कॉलेज स्टार्ट हुई है। इसके बाद यहाँ पर आएगा राउंड नंबर टू, राउंड नंबर थ्री, ऑफलाइन राउंड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ
पर एडमिशन प्रोसेस होता है, बट जो भी यहाँ पर मेन स्टेप होते हैं, जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कवर करने के रख दिया है कि जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था रजिस्ट्रेशन से, मेड रैंक आएगा, मॉक राउंड आप करोगे, राउंड नंबर वन में आपका रिजल्ट आएगा और आपकी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी। यही बहुत सिंपल प्रोसेस है, यही बहुत ईजी प्रोसेस है कि जिसके अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स को ऐसा कंफ्यूजन होता है, एंड दैट्स व्हाई आई एम क्लियरिंग ईच एंड एवरी डाउट्स ऑफ यू। ठीक है, अभी तक मुझे यहाँ पर लाइव वीडियोज कंडक्ट करने का सही से टाइम नहीं मिला है और अभी कुछ यहाँ पर मेरी जॉब के साथ दोनों नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, दैट्स व्हाई मैं इन द फ्यूचर टाइम यहाँ पर लाइव वीडियोज भी स्टार्ट करूंगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर LTE, DAISSE और टॉप 10 कॉलेज मान के ही ले लीजिए। टॉप 10 कॉलेज मोस्टली मैंने यहाँ पर चैनल के ऊपर कवर कर लिया है, पिछले साल के वीडियोस भी आप देख सकते हो, पिछले साल के कट ऑफ भी देख सकते हो, ताकि यहाँ पर आपको भी एक आसानी हो जाए, आपको भी यहाँ पर एक पता चल जाए कि यहाँ पर क्या आपको एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने पूरा प्रोसेस कवर कर लिया है। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।